पार्ट अलग अलग टाइम का है। नहीं टाइम का पार्ट तो एक व्यक्ति व्यक्ति टाइम क्या है, पर्सनालिटी एक ही है लेकिन अलग अलग समय का अलग अलग पार्ट है। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड चार नाम भले बताए लेकिन पर्सनालिटी एक ही है। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो सत्युगी कृष्ण या संगमुगी कृष्ण, संगमुगी कृष्ण संपन्न पार्ट तो बजाया बताया। लेकिन नारायण का पार्ट अकेला नहीं है, इसके साथ है लक्ष्मी के साथ। और कृष्ण है, कृष्ण अकेला है लेकिन बुद्धि में एक राधा ही है।
ऐसे आठ पटरानियां दिखाई है, लेकिन वो तो पट्ट में गिरने वाले है। या पुरुषार्थ करते करते पट्ट में गिर जाती है। स्थाई निश्चय बुद्धि एक ही है, इसलिए राधा को दिखाते हैं। और भगवान सचिन से नारायण का राज्य होता है, फिर राम राज्य क्यों कहते हैं नारायण राज्य? जो नारायण बनते हैं वो ही त्रेता में राम सीता बनते हैं, ये भी तो बोला है। सत्युग में जो नारायण पादधारी बनते हैं वो ही त्रेता में राम सीता बनते हैं। इसलिए आत्मा तो वो ही है, जिस नंबर के नारायण बनते हैं उसी नंबर के राम सीता बनते हैं। स्वयंवर कहाँ होता है? जो शास्त्रों में स्वयंवर का गायन है वो सतयुग त्रेता का गायन है या संगमयुग का गायन है? सतयुग त्रेता में तो स्वयंवर आदि होते ही नहीं है, वहाँ कोई जश्न नहीं होता, कोई उत्सव आदि नहीं होता। ये संगम युग की यादगार है। लक्ष्मी नारायण नारद ने जन्म लेते हैं तो बाद में चलते हैं वो राम करें। हाँ जी, लेकिन 2018 में जो श्री कृष्ण का जन्म होगा, हाँ जी, तो वो 9 महीने गर्भ में रहेगा या वो बच्चा छोड़ा रहेगा होगा? जैसे गाय का बच्चा होता है तो छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बड़ा होने लगता है, दुनिया भी हवा लगी और हवा लगने के साथ ही बड़ा हो जाता है, वो चलने कूदने लगता है कि 1-2 साल पालने में पड़ा रहता है। तो आज की दुनिया में भी गाय जैसा ऐसा जानवर सात्विक है कि बच्चा पैदा होते ही उछलने कूदने लगता है। तो नई दुनिया में ऐसा प्राकृतिक माहौल होता है कि वहां बचपना नहीं होता, जो माँ बाप को टट्टी पेशाब साफ करनी पड़े 2-2, 3-3 साल, और बुढ़ापा भी नहीं होता। जैसे बीके नालंदा की किताब में दिखाया है ऊपर से सितारा आया और नीचे आके प्रिंस प्रिंसेस बन गया, ऐसे कोई अजूबा गरूबा होता है क्या? बच्चा तो गर्भ से ही पैदा होगा। और एक मुझे पूछा है, मनुष्य को तो भगवान नहीं कहेंगे, फिर कहा है भगवान न साकारी होता है न अहंकारी होता है। एक एक बात का जवाब लो। मनुष्य को भगवान नहीं कहेंगे, सामान्य अर्थों में ले लेते हैं मनुष्य, लेकिन मनुष्य शब्द है तो उसका अर्थ भी तो होगा। मनु की औलाद कौन से युग में होते हैं? संगम में ही मनु की औलाद होते हैं। मनु किसको कहा जाता है? क्यों मनु माना? क्या मनु कहा जाता है? मनुआ के आधार पर मनन चिंतन मंथन जिसका चलता है। और मन चंचल होता है। भगवान के लिए कहेंगे कि उसका मन चंचल होता है, है? और मनुष्य अगर योग बल के आधार पर ऐसा पुरुषार्थ कर ले कि उसका मन
जो ग्यारहवीं इंद्री कही जाती है और दसों इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। कंट्रोल करना माने जब चाहे काम करे इंद्रियों से और ना चाहे तो काम ना करे। अगर ऐसा मन कंट्रोल हो जाए तो उसे मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे? सत्युग में देवताओं का मन चलाए मान होगा। राधा की दृष्टि कृष्ण के अलावा कोई दूसरे में चंचल होगी? कृष्ण की दृष्टि राधा के अलावा कोई और में चंचल होगी? नहीं होगी। तो मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। जब तक मन चंचल है तब तक कौन है? मनुष्य है कि देवता है कि राक्षस है? क्या है? मनुष्य। मन की चंचलता खलास हो जाए, मन अमन हो जाए तो उसे मनुष्य नहीं कहा जाएगा। मनुष्य की कोट से ऊपर उठ गया मनुष्य कहा जाता है नरको। मन चंचल होता है इसलिए नर नरक बनाता है। 2000 साल की हिस्ट्री मौजूद है। मनुष्यों ने दुनिया को नरक बनाया है या स्वर्ग बनाया है? सुख शांति बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? घटती जा रही है। इसका मूल कारण कौन है? मन। मन के कारण ही मनुष्य कहा गया। इस कारण का निवारण कर दिया जाए, मन को अमन बना दिया जाए तो क्या परिवर्तन हो जाएगा? नर तो नारायण बन जाता है, देवता बन जाता है। तो एक बात ये कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब इसके आगे आकारी को भी भगवान नहीं कहेंगे, आकारी को भी नहीं कहेंगे, निराकारी को। साकारी में निराकारी को भगवान कहेंगे? न सिर्फ साकारी को भगवान कहेंगे, न सिर्फ आकारी को भगवान कहेंगे। कृष्ण उसमें दादा लेखराज की आत्मा इस समय क्या है? आकारी है। जिस समय आकारी नहीं बनी थी तब क्या थी? साकारी थी। न आकारी थी न निराकारी थी। तो न निराकार को याद करना है, क्योंकि निराकार को याद करने से लवलिंग स्टेज नहीं बन सकती, निरंतर याद नहीं हो सकती। निरंतर याद होना है तो क्या करना है? साकार में निराकार को पहचानना है। कौन है वो साकार जिसमें मुकर्रर रूप से वो निराकारी प्रवेश करता है? ब्रह्मा ने किसको याद किया? निराकार को याद किया? कोई साकार को याद किया या आकारी को याद किया? निराकार को याद किया। जैसे और धर्म पिता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, उन्होंने किसको याद किया? निराकार को याद किया। लेकिन और धर्म पिताएं तो डायरेक्ट परम धाम से उतरते हैं, इसलिए उनकी निराकारी स्टेज देखने में आती है। और ब्रह्मा की सोच तो डायरेक्ट परम धाम से नहीं उतरती। पक्का पक्का दे अभिमानी,
आगे ये भगवान तो होता ही नहीं होता है। और क्या होता है? भगवान होते हैं, वो भगवान होते हैं, उनके फॉलोअर्स मानते हैं, उनके फॉलोअर्स के मानने से आप भी मानने लगे। भगवान को बताया ना, तो नहीं आता है। ठीक है, वो जिसमें प्रवेश करते नरम पिता उनको गंदा रंग लगता है। हाँ जी, वो देखते हैं क्योंकि वो कलर तो जाने के लिए नहीं मिलते। लेकिन भगवान जिसमें प्रवेश करता है तो उसको गंदा रंग नहीं लगता है, वो अपने गंदा रंग लगाता है। ठीक है, व्यवहार में नहीं आता, इसलिए ऊंचे ऊंचे भगवान के। हाँ तो ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे, ये निराकार के लिए कहा जाएगा या साकार के लिए कहा जाएगा? निराकारी दुनिया की बात है या साकारी दुनिया की बात है? नीच और ऊंच कहाँ होते हैं? साकारी दुनिया में होते हैं। तो जब ऊंच से ऊंच कहा जाएगा तो जरूर ऊंच से ऊंच कार्य करने वाले के लिए बोला जाएगा, और कार्य कर्मेंद्रियों से ही होते हैं। जो नास्तिक धर्म का बीज है उसको अष्टदेव में नहीं लिया जा सकता, वो वैल्यूलेस है। उसको मिला करके नौ धर्म है, लेकिन वो नौवा रतन जो है वो वैल्यूलेस है। सूर्यवंश जब गिनती करेंगे, सूर्यवंश से लेके लास्ट तक, हाँ जी, नास्तिक को छोड़ के नौ हमारे नौ धर्म है, उनमें जो नौवा है वो नास्तिकता का भी बीज है। आर्य समाज वो देवताओं को साकार को नहीं मानता। जब साकार को मानता ही नहीं तो निराकार ही, और निराकार की कोई प्राप्ति नहीं होती। आर्य समाज धर्म में कोई आत्मा नहीं है। वो नौवा है सिर्फ आठ की वैल्यू को दिखाने के लिए, इसलिए नवग्रह माने जाते हैं, नवरतन माने जाते हैं। उनमें नौवा वैल्यूलेस है, जब वैल्यूलेस है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आज की जो सरकार है जो वैल्यू लेते हैं उसमें कोई ताकत नहीं है, क्योंकि कोई धर्म के ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो धर्म को मानते ही नहीं है। धर्म निर्भर एक राज्य, हमें किसी धर्म की राज्य की दरकार नहीं, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं, धर्म निरपेक्ष। बाप कहते हैं रिलीजन इज माइट, और जहाँ धर्म ही नहीं है तो राज्य में ताकत होगी? कोई आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई पूछने वाला नहीं। एडवांस में ही बीज होते हैं, बीज ही एडवांस में जाते हैं। कन्वर्ट होंगे साकार में निराकार से जाते हैं, बीज कभी कन्वर्ट नहीं होते। अभी अपने ग्रुप बना लिए, जिन्होंने ग्रुप बना लिए वो दूसरे धर्म में जाके जन्म लेते हैं, कन्वर्ट नहीं होते। कन्वर्ट होते नहीं, हाँ, उन पर दूसरे धर्मों का जन्म जन्मांतर का छिलका चढ़ा हुआ है। इतना कड़ा छिलका होगा उतना देर में नष्ट होगा, अर्थ मजबूत है, क्योंकि संघ का रंग
अनेक जन्मों का लगा हुआ है। आर्य समाज का जो बीज होगा वो हर धर्म के संसर्ग संपर्क में आता हुआ होगा और कोई पर उसको श्रद्धा नहीं होगी। तो धर्म मात्र से श्रद्धा हट जाती है, इसलिए नास्तिक बन जाता है, नास्तिकता का बीज पड़ जाता है। कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं, हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही स्वर्ग बनाएंगे। डायरेक्ट कोई एडवांस में आता ही नहीं, पूर्व जन्म में ब्रह्मा कुमार कुमारी बने होंगे तब ही एडवांस में आते हैं। क्या खास बात है, डायरेक्ट आते ही नहीं, मतलब पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसा हिसाब किताब बांध है कि उनको जो बीके वाले हैं, बेसिक वाले हैं और परवर्ती समय के बेसिक वाले हैं, उनका पूर्व जन्म में ही उनसे बुद्धियोग टूट चुका, कोई लगाव नहीं, कोई झुकाव नहीं, इसलिए उनके संसर्ग संपर्क में उनको आना आने की दरकार ही नहीं। और जो नमक ग्रह हैं, हाँ जी, उससे सूर्य कौन है और गुरु कौन है? वास्तव में ज्ञान सूर्य है शिव, और ज्ञान सूर्य की सबसे जास्ती किरणें किसके ऊपर पड़ती है? सूर्य की किरणों से सबसे जास्ती लाभ लेने वाला कौन सा ग्रह हो सकता है? क्यों? ये कोई बात नहीं है, नजदीक बृहस्पति के मुकाबले और कोई नजदीक नहीं है क्या? चंद्रमा तो पृथ्वी के नजदीक है, नहीं, जो नौ ग्रह हैं उनकी स्थिति देखी नहीं है नक्शे में, और ग्रह जो छोटे हैं वो भी सूर्य के नजदीक है लेकिन उनका आकार छोटा है और बृहस्पति का आकार बड़ा है, तो जितना बड़ा आकार होगा उतना जास्ती सूर्य की किरणों को ग्रहण करेगा, वो है स्थूल बात और यहाँ है सूक्ष्म बात। ये आत्मा रूपी बैटरी है, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी ज्यादा ताकत इकट्ठी करेगी। तो बृहस्पति एक ग्रह है सबसे बड़ा, माता जी क्या बोल रही है? जैसे आप अभी भी बोला है मतलब कृष्ण है, यानी कृष्ण मतलब गर्भ से जन्म लेंगे, गर्भ से जन्म लेंगे मतलब 2018 में ही लेंगे, कैसे लेंगे मतलब रहेगी तब तक रहेगी ना। बोला है कोई ऐसे भी होंगे जिनके 50 वर्ष कम हो जाएंगे 5000 वर्ष के ड्रामा में से, वो कौन सी आत्मा होगी? ब्रह्मा की सोल 69 में शरीर छोड़ती है, अभी तक भी उनको शरीर नहीं मिला, 50 साल पूरे होंगे तो 2018-19 आएगा। बाबा जी गर्भ से ही जन्म लेंगे तो क्या ऊपर से आएंगे? हैं? और ऊपर से आएंगे तो कैसे आएंगे? माने प्रवृत्ति मार्ग से जन्म नहीं लेंगे तब तक ये दुनिया रहेगी बाबा। अरे 76 में
नहीं दुनिया खत्म होने वाली थी तो 75 में खत्म नहीं हुई, अब तक भी रही है तो आगे नहीं रहेगी। एक एक बात हो रही है अभी। हाँ जी के ऊपर भगवान की छत्र छाया होती है, उसके लिए प्रश्न करना कि ऐसा बन सकेगा क्या, ये उचित है? और भगवान की छत्र छाया किसके ऊपर होती है? खैरा गहरा नत्थु खैरा, कोई भी पुरुषार्थी के ऊपर छत्र छाया हो जाएगी क्या? बाप कहते हैं जो बच्चे बहुत सेवादारी है, मैं उन सेवाधारी बच्चों को याद करता हूँ। इसको याद करता हूँ, सेवाधारी बच्चों को याद करता हूँ। दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान सेवाधारी बच्चों को याद करते हैं। तो जिन बच्चों को सेवाधारी होने के कारण स्वयं भगवान याद करता हो तो ज्यादा पावर किसको मिलेगी? उन बच्चों को ही ज्यादा पावर मिलेगी। इसमें उनमें जब ज्यादा पावर भरेगी तो ज्यादा पावरफुल हो गए ना संगम युग में। संगम युग में बनते हैं बहुत पावरफुल, इतने पावरफुल बनते हैं कि जो धर्म पिताओं के लिए बोला है कि वो धर्म पिताएं इस आखिरी जन्म में कहीं बैगर रूप में होते हैं, नीचे गिरी हुई अवस्था में होते हैं। तो जब नीचे गिरी हुई अवस्था में होंगे उनमें भगवान तो प्रवेश करता नहीं है, तो कौन प्रवेश करेगा, उनको कौन उठाएगा? वो ही उठाएंगे। तुम बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं, ये बोला है कि बच्चों में बाप प्रवेश करके सर्विस करते हैं, दृष्टि की पावर देते हैं, वाचा की पावर देते हैं, वाइब्रेशन की पावर देते हैं, लेकिन कोई बच्चे को पता नहीं पड़ता है मैं कब प्रवेश करता हूँ कब चला जाता हूँ। इसलिए कोई बच्चा कह नहीं सकता, कोई प्रूफ नहीं है कि उसके अंदर भगवान बाप प्रवेश करते हैं। लेकिन जो मुकर्रर रथधारी है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई प्रूफ नहीं है। ढेर सारे प्रूफ मिलेंगे। बिल्कुल प्रवेश होंगे। देव ये जो अभी अस्त्रदेव जो सामने आ रहे हैं, अभी जो अस्त्रदेव सामने आ रहे हैं आएंगे तो ये संपन्न के धारण करने का और प्रवेश कम होंगे। बिल्कुल रत्न की यही हालत जाएगी, रत्न है अधूरे बने रहेंगे। भगवान तो नहीं प्रवेश करेगा, अष्टदेव है, सारी दुनिया के पूर्वज है, पूर्वज बना जिसने सबसे पहले जन्म लिया हो, जो भी इस्लाम धर्म के हैं आत्माएं
उन्होंने सबसे पहले कोई ने तो जन्म लिया होगा परम धाम से नीचे उतर के, किसने लिया होगा? नारायण बनने वाली आत्मा ने लिया होगा क्या? नारायण बनने वाली आत्मा ने बाद में जन्म लिया होगा कि उसकी भी जो बीज होगी वो आत्मा पहले जन्म लेती है परम धाम से आकर, बीज पहले जन्म लेगा। जो जितना पहले जन्म लेने वाला है वो उतना ही जास्ती पावरफुल आत्मा है। जैसे कृष्ण की सोल अपने डेनाइसी में सबसे पावरफुल आत्मा है, ऐसे ही राम की सोल, प्रजापिता की सोल अपनी डेनाइसी में, माना राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वालों की डेनाइसी में सबसे पावरफुल आत्मा है, और उसके साथ विशेष सहयोगी है, वो भी पावरफुल है, बाप समान स्टेज को धारण करने वाले हैं। इसलिए जो पावरफुल होंगे वो प्रवेश करेंगे और अपने ही वर्ग में प्रवेश करेंगे। सूर्य को प्रवेश करना है तो सूर्यवंशियों में ही प्रवेश करना है, और उसने पूर्व जन्म में उस आत्मा के साथ कुछ हिसाब किताब जोड़ा होगा, इसमें प्रवेश का इसका दोष नहीं। अरे इस जन्म का दोष नहीं है, पूर्व जन्म का तो दोष है, नहीं तो वो आत्मा राम वाली आत्मा में क्यों नहीं प्रवेश कर जाए? साथ हिसाब किताब नहीं, और हिसाब किताब बांधता कौन है? हम अपनी मर्जी से ही तो हिसाब किताब बांधते हैं ना। धर्म का राजा होगा वो स्ट्रिक्ट होगा, कायदे कानून पर मजबूती से चलने वाला होगा और चलाने वाला होगा, या लीनेंसी वाला होगा? स्ट्रिक्ट होगा। सब धर्मों के बीच में कौन सा धर्म है जिस धर्म के धर्म ग्रंथ में ही मिलिट्री की तरह आदेश दिए हुए हैं? इस्लाम धर्म है। युधिष्ठिर का टाइटल क्यों देंगे? धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, लेकिन अठारह में तो वो धर्मराज युधिष्ठिर जन्म ले लेगा ना। सबके लिए चलेगा क्या? अपने बच्चों के लिए तो चलेगा। अपने बच्चों के लिए चलेगा तो जिन बच्चों के लिए चलेगा उनके लिए तो धर्मराज हुआ ना, उसके बाद कौन बनेगा वारसदार? कोई तो बनेगा। और ये अभी तो धर्मराज का कार्य है ब्रह्मा को जी, नहीं
आकार में जो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड आत्मा कह सकते हैं, सकते हैं कह सकते हैं। और क्योंकि क्योंकि राम की आत्मा के लिए बोला है कि दुनिया की ऐसी कोई बात ऐसी कोई चीज नहीं है जो तेरे पर लागू ना होती हो, वो धर्मराज भी है, वो भीम भी है, वो सहदेव भी है, वो अर्जुन भी है। तो कोई पांच पांडव ऐसे अलग अलग हुए नहीं है, ये तो सिर्फ एक गायन है बताने के लिए। पांच कैटेगरीज है, पांच धर्मों से कनेक्टेड। बिल्कुल है, तो दो है। और क्या धर्मराज कोई में प्रवेश भी तो करता है, प्रवेश करता है कि नहीं, इसमें प्रवेश करता है, वो मेरा राइट है। स्त्री चोला धर्मराज जिसमें प्रवेश करता है वो राइट है, राइट हैंड, क्योंकि वो स्त्री चोला है, शक्तियां है राइट हैंड, और पुरुष प्रकृति सब है लेफ्ट हैंड। और ये अष्टरतन जो है वो पांच विधान है या रतन पांचवे दानर कैसे बन जाएंगे? जो आर्य समाज का मुखिया है वो पांचवे दानर बनेगा? अच्छा सिख धर्म का जो मुखिया है वो पांचवे दानर होगा? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा, तो अष्टदेव दूसरे तीसरे ग्रुप में चौथे ग्रुप में बाद वाले ग्रुप में होंगे या पहले ग्रुप में होंगे? पहले में होंगे। वो तभी अपने ग्रुप के अंदर पास विदान है, अपने ग्रुप के अंदर। हाँ जी, जो फाइनल होगा जो आज ये नव होंगे सभी के लिए ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल माने तीन ट्रिब्यूनल माने तीन लेकिन बाप को प्रेसिडेंट, बाप कौन सा है जो प्रेसिडेंट का पार्ट बजाता है? अरे आत्माएं तो दो हैं, प्रेसिडेंट तो साकार में होगा, साकार में होगा। जिसको चीफ जस्टिस कहा, चीफ जस्टिस कहा जाता है वो भी बाप है, और वो बाप है जो निर्णय करता है, फैसला करता है, राइट और रॉन्ग का फैसला करता है। हाँ जी, शक्ति पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। तो कौन हुआ? शिव बाबा बैकुंठ में जाते नहीं है, परमनाथ जाके बैठ जाएंगे बैकुंठ में। कैसे बैकुंठ? संगम युग की बात है या सतयुग की बात है? तो संगम युग में जो बैकुंठ बनेगा उसमें रानी बनने वाली आत्माओं को बैठने की जरूरत है या राजा बनने वालों को बैठने की जरूरत है? सबके किसको ज्यादा खाने चाहिए? जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं और इंप्योरिटी वाले हैं उनको लंबे समय तक जब तक विनाश चलेगा तब तक धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि बाप की बात को नहीं मानते जो मुख्य बात है। सतगुरु निंदक और न पावे। जो रात की बात है वो साकार की बात नहीं है, वो अंदर से अनुभूति होगी जैसे कि हमारे साथ है। भक्ति मार्ग में तो सब स्थूल बातें उठा ली है, तो गुरु लोग साथ में लेकर के साकार
स्त्री और पुरुष मिलकर के रास दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में रास लीला दिखाई है, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण दिखाया है। यहाँ भी ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग में चलने वाले, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाले, खुद भी वही कर्म करेंगे और एक संगी साथी दो चार को और उठा लेंगे और वही रास रचाएंगे बैठ के। वो गोपियां बन जाती हैं अब वो कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं, ढेर सारे ढेर सारी पार्टियां ऐसी निकल रही है। तो बेकारी दुनिया के बीच जन्म नहीं लेगा ये नहीं बताया, ये बताया कि जो पतित दुनिया होगी जहाँ, वहाँ पावन दुनिया का एक भी जीवड़ा नहीं होगा, और जहाँ पावन दुनिया होगी वहाँ पतित दुनिया का एक भी जीवड़ा नहीं होगा। नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, जैसे कराची में दिया था, टेंपल बनाया, प्रैक्टिकल नहीं बनाया। अभी आर्गेनिक खेती से ऐसा अनाज पैदा हो सकता है, ऐसे फल हो सकते हैं जिसमें कीड़े जल्दी न पड़े, तो 18 तो भी बहुत दूर है, अभी तो 11 साल है, जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहा है, तो नेगेटिव संकल्प क्यों आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, मॉडल नहीं, मॉडल तो जड़ होता है, वो तो ब्रह्मा ने बनाया अजमेर में। 5 साल चलेगा कम से कम, 7-8 साल वो मॉडल तो बन गया सर, 47 से लेकर 51-52 तक का। अभी तो 4-5 साल तो रहेगा। 4-5 साल क्यों रहेगा, दुनिया के बीच में बहुत 2036 तक भी रहेगा, नहीं तो अगले जो बच्चों की पैदाइश होगी सत्युग की पहली जनरेशन में वो कहाँ से होगी। अरे कलाएं तो यहाँ कमी ही होती जाती हैं, बढ़ती कहाँ है, जब ज्ञान में आते हैं तो सत्व प्रधानता की शूटिंग करते हैं, ये लोग सत्व में नहीं आ पाएंगे और फिर तो नीचे ही उतरते हैं, जैसे ब्रह्मा की सोल नीचे उतर रही है, कलाहीन हो जाती है, फिर एकदम ब्रह्मा को क्या बन जाता है, विष्णु बन जाता है। जब पूरा ही पतित पने का ग्रहण लगता है तब आकर के रोशनी होती है। कौन कोई डायरेक्ट आ रहे, डायरेक्ट यहाँ कोई आता ही नहीं, तो मन टूट गया तो इससे साबित हुआ कि वो भीखे में से आया ना, आया तो है। हाँ फिर कहाँ, ये कहे डायरेक्ट आया, बाकी जो है ये तो बहुत दिन से ऐसे भी तो है जो इसी जन्म में सात जन्म पहुँचता है तो सुबह तो उस जन्म में भी रहे होंगे। नेगेटिव संकल्प क्यों आना चाहिए, जब बता दिया है कि सामूहिक शूटिंग का हिसाब अलग है और व्यक्तिगत शूटिंग का हिसाब अलग है। जो आत्मा जिस समय भी ज्ञान में आती है उस समय वो सत्व प्रधान है, पहली बात। ऐसे नहीं कि तमो प्रधानता की शूटिंग चल रही है तो तमो प्रधान ही है, नहीं, पहले सत्व प्रधान फिर सत्व रजो तमो। परम नाम
बात के समय देखकर वो बाप का बाप जिस घर में प्रवेश करता है सुप्रीम सोल, वो हमारा घर भी है, क्योंकि बाप उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, वो हमारा घर भी है। हाँ ठीक है, परमधाम भी, परम धाम माना घर, जैसे बोला गया परम धाम ठीक है। अभी जो आत्माएं नीचे आ रही हैं, जो बच्ची हैं, है वो कहाँ से? वो बाप की बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं उतरती हैं, वो आत्माएं बुद्ध रूपी पेट में नहीं है, बिना ब्रह्मलोक के ऐसे उतर आती हैं। ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है। हाँ जी, तीन माने त्री और गाय माने गायन, इन तीन का गायन है ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शंकर के साथ पार्वती, महागौरी, महाकाली और सरस्वती। और पढ़ी लिखी आत्माएं नहीं है माताएं, ना पढ़ी लिखी होते हुए भी उनमें प्यार की वासना है या नहीं है? प्यार की वासना है तो कोई स्नेह ही भी उनका होगा, उस स्नेह ही से वो अपना पोता में लिखवा ले, इतने ही आत्मा होती है उसको इतने ही मिलते हैं, जो दुष्ट होते हैं उनको दुष्ट मिलते हैं, कीच कीच में जाके मिलती है। बाबा जैसे वो दादा चले गए तो उसको जन्म सात के पाँच साल के तो आजकल तो तीन साल के बच्चे कंप्यूटर चला रहे हैं, और बाबा कहते हैं उनका तो लक्ष्य था तो बाबा में रहने के लक्ष्मीनारायण बनेंगे, लेकिन तो चले गए। तुम राम की सेना हो, राम की सेना माना बंदर बंदरिया। बच्चा मर जाता है तो साल भर तक उस खंखर को पेट से चिपका के रहती है। अभी तो बाबा ने इतना ज्ञान दिया हुआ है, मम्मी मरे तो हलवा खाओ, जो भी देहधारी है, जो भी नाकों से देखते हैं उनसे बुद्धियों को टूट जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं उनको याद करने से। देहधारी को याद करेंगे तो जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा जैसा देहधारी, उसको याद करने वालों की क्या हालत है? हाथ फेल हो रहा है, अचानक मौत हो रही है। और हम इतना ज्ञान लेने के बाद भी अगर याद करते रहेंगे और भरी सभा में सबको याद दिलाते रहेंगे तो क्या हाल होगा? सभी का हाथ फेल करा देंगे, बनना ही है। ओंकार माना आ ऊ मा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर और तीनों मूर्तियों का ईश्वर। ओंकार माने आकार, मकार, उकार। आकार माना ब्रह्मा, जो ब्रह्मा का कार करे सो ब्रह्मा। उकार जो विष्णु का कार करे, कार माना कारी। मकार माना महेश का कार्य करे, ये तीन मूर्तियां उनका ईश्वर माना एक ओंकारेश्वर। कौन हुआ है? तीन मूर्तियों का ईश्वर संचालन करता कौन हुआ? शिव हुआ। हाँ जी, कब उतर जाता है?
नहीं जैसे बाबा मतलब जिस धन में आते हैं उसमें भी वो चौबीस घंटे सवारी नहीं करते हैं तो फिर कहाँ रहते हैं में आते हैं प्रवेश करते हैं मुकर्रर रथ में कब प्रवेश करते हैं अरे मुकर्रर रथ में मुकर्रर रूप से कब प्रवेश करते हैं 76 हाँ जी सर मुकर्रर रथ में भी जैसे कहा गया है कि वो 12 घंटे सवारी नहीं करते हैं उसको कहाँ जाते हैं ये कहाँ कहा कि मुकर्रर रथ में 24 घंटे सवारी नहीं करते नहीं जैसे कहा बैल के ऊपर कहा बैल के ऊपर सदा काल सवारी होती है क्या तो बैल कौन है तो ब्रह्मा की बात है वो अड़ियल है अड़ गया गीता का भगवान मैं ही हूँ बाबा जी ने बता रहे थे तीन मूर्तियाँ के साथ में आ सकती हाँ जी तो एक मूर्ति तो है ब्रह्मा मूर्ति साकार नहीं हो तो भी आगे दूसरी मूर्ति विष्णु भी यानी के उत्तर में बताना ब्रह्मा का पाठ जो है वो माँ के रूप में और शंकर का पाठ जो है ठेठ बाप के रूप में वो मृदुल पाठ और वो कठोर पाठ जैसे कहते हैं पुरुष पुरुष माना कठोर तो एक कठोर और एक मृदुल और दोनों का जब बैलेंस होता है तो उसको कहा जाता है विष्णु नहीं न वो स्त्री समझेगा अपने को न पुरुष समझेगा उसने देवान वो कहीं नहीं अब चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष चोला हो लेकिन उसकी स्टेज ऐसी होगी कि देह का भान होगा ही नहीं देह जैसे होते हुए भी देह की इंद्रियां होते हुए भी उन इंद्रियों का भान रहेगा ही नहीं जब इंद्रियों का भान ही नहीं रहेगा तो उन इंद्रियों का काम भी खलास उसको कहेंगे विष्णु अब उसमें कभी पुरुष चोले को आगे रख दो और कभी स्त्री चोले को आगे रख दो स्त्री चोला आगे रख दिया तो माँ लक्ष्मी पुरुष चोला आगे रख दिया तो महानारायण में तो आगे रख दिया हाँ जी ये वो वैष्णो देवी नहीं है क्या विष्णु देवता है तो विष्णु वैष्णो देवी नहीं है क्या वैष्णो देवी भी है माने वहाँ स्त्री चोला आ गया पाठ बजाने की बात है लेकिन बाबा ऐसा होगा ना आदि की त्रिमूर्ति तो आदि हाँ तो क्या हुआ आप चोले को देखते हैं वो आत्मा अपने चोले को देखती है चित्र जो बनाए हैं वो भक्तों ने बनाए हैं कि ज्ञानियों ने बनाए भक्तों ने बनाए बाबा ने तो बोला है ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट है नहीं ये आंख नहीं है 20x40 में एक्यूरेट चित्र है उसी के लिए तो बोला है ये त्रिमूर्ति का चित्र आंख नहीं है तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए जिस समय ब्रह्मा के मुख से पाठ चल रहा था वाणी चल रही थी उस समय बाद वाली दो मूर्तियां थी क्या नहीं थी तो चित्र बनाने की बात ही नहीं पावन जी पावन बनेगी उसको चार स्टेज से गुजरना पड़ेगा चार आयाम से गुजरना पड़ेगा चार आयाम से गुजरना पड़ेगा अभी बाद में गुजरेंगे तो गुजरना पड़ेगा क्यों कह रहे कि चार अवस्थाओं से गुजर रहे हैं चार अवस्था गुजरना गुजरे नहीं था एक आत्मा हाँ जी तो साकार बाप की जो फर्स्ट स्टेज थी वो 76 में फर्स्ट थी हाँ जी लास्ट 98 है चौथी अवस्था 98 में द्वापर युगी कम प्रधान शूटिंग फर्स्ट स्टेज 76
फर्स्ट स्टेज जो है 76 में वो त्रेता युग की शूटिंग की फर्स्ट स्टेज। चारों आयाम पूरे हुए, संपन्न स्टेज आ गई, तत्वज्ञान स्टेज आ गई, सेवन सेवन। हाँ जी बाबा, फिट इंडिया आत्मा को है बाबा। हाँ जी हे बाबा, इधर आओ। तो बोलो ध्यान में आने ध्यान में आते ही अवस्था ऊपर हो जाती है। ध्यान में आते ही सबकी अवस्था ऊपर नीचे नहीं हो जाती है। ज्ञान में आते ही ज्यादातर लोग ये अनुभव करते हैं कि हमारी अवस्था बहुत ऊंची हो गई। फिर बाद में जैसे जैसे दूसरों के प्रभाव में आते जाते हैं, संग का रंग लगता जाता है। होना ये चाहिए जब बाप को पहचान लिया तो एक बाप दूसरा न कोई, हमारा किसी से कुछ लेना देना नहीं, ये स्टेज होना चाहिए। अवस्था ऊपर जाती है, बाकी और अवस्था का पता नहीं चलता, तो क्या संकेत अवस्था ऊंची स्टेज होगी तो ऊंची स्टेज होगी ना। और बाकी बाबा चार अवस्था में जब प्रसार होगा, बाकी अवस्था उसको पता ना चले तो क्या संकेत? पता जिसको ना चले वो बुद्धू है। ज्ञान पूरा धारण नहीं किया है। भगवान ने बोला कि पर्चे छपा पर्चे छपा, तो मतलब कौन सा पर्चे छपा? परिचय वाला पर्चे छपाओ, जो परिचय देने वाला हो बाप का, जो परिचय देने वाला पर्चा हो तो छपाओ, चाहे जड़ छपाओ चाहे चैतन्य छपाओ, घर घर में बांटो। रोड पे चलते चलते विनाश हो जाता है। रोड पे चलते हैं, गाड़ी के नीचे ट्रक के नीचे आ गए, विनाश हो गया है। विनाश आप मुए मर गई दुनिया। फिर याद आई। हाँ बोलो। तीन व्यक्ति तू क्या दो ही तो हुए? मिस इंडिया मिस वर्ल्ड दो ही तो हुए? जो वर्ल्ड मदर है वो ही तो मिस वर्ल्ड है। पाँच सौ सत्तावन नंबर बी सी डी में कहा। रुको रुको रुको, आगे भी सुनो। मनसा से सेवा, मनसा अभी तो अधूरी है। मनसा ऐसी पावरफुल हो जाए, मन बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाए कि हम जिस व्यक्ति के मस्तक में अपनी आत्मा को याद करना शुरू करें तो वहां से हटे ही नहीं, तो सारा वाइब्रेशन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? है? वहीं पर इकट्ठा हो जाएगा और उस व्यक्ति की बुद्धि को कंट्रोल कर लेगा। अपना शरीर जब याद ही नहीं आएगा, जहाँ कार्य करना है वही शरीर याद आएगा, तो वाइब्रेशन से कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? अभी इतनी पावर नहीं है, जब करेंगे तब आएगी। बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे। बाहुबल वाला रोज बाहुबल चलाता रहे और रोज रोज पोता मेल देता रहे तो विनाश नहीं होगा? क्या एक आध बार कर लिया
और बावल कोई एक प्रकार का तो होता नहीं है। बावल ऐसे थोड़े ही किसी को थप्पड़ मार दिया तो बाहुबल हो गया, या डंडा मार दिया या गोली मार दी तो बाहुबल हो गया क्या? किसी को गंदी दृष्टि से देख लिया वो भी बाहुबल हो गया। बाहुबल माना शरीर, शरीर का बल। किसी को खराब वाचा बोल दी उसको असर हो गया वो भी बाहुबल हो गया, क्योंकि वाचा भी देह का अंग है। और बाबा तो बोलते हैं दिन में 10-20-50 भूले रोज ही करते रहते होंगे, तो नंबर वार बाहुबली है। और बाकी माला रोने वाला है, बाहर के संस्कार हो जाएंगे तो बोलना पड़ेगा। सब संस्कार नहीं, कोई एक संस्कार 100% भक्ति मार्ग का हो जाएगा तो भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे अव्यभिचारी याद हो जाती है किसी की मृत्यु की याद, तो उसी को भी भक्ति मार्ग कहेंगे। अव्यभिचारी को थोड़े ही भक्ति मार्ग कहा जाता है। अव्यभिचारी माने ज्ञान मार्ग नहीं, दूसरों की याद आ जाए तो उसे व्यभिचारी कहेंगे। बाबा जाते तो नहीं है, लेकर एक अचानक आते हैं। अचानक आती है तो पूर्व जन्म का किया हुआ है तभी तो आता है। प्रैक्टिस से मिटाओ, अभ्यास करो आत्म की स्थिति का। हाँ जी ठीक है। रामकृष्ण की आत्मा तो और ही ज्यादा दूसरों के संसर्ग संपर्क में आती है, सामान्य व्यक्ति की आत्मा तो इतने संसर्ग संपर्क में नहीं आती है, इतने संबंध में नहीं आती है, तो ज्यादा रंग का रंग किसको लगेगा है? और बाबा बाकी माला रुद्र माला है, आप विजय माला बनाने आते हैं क्या? बाप विजय माला बनाने आते हैं। अभी बोला आपने बाबा की बाकी माला रुद्र माला है, ये क्वेश्चन मेरा है कि बाकी माला रुद्र माला है लेकिन भाई ने बोला कि बाप विजय माला बनाने आते हैं, ये कैसे बात? बाप विजय माला बनाने तब आते हैं, तब विजय माला बनाना शुरू करते हैं जब जिस बाप में प्रवेश करते हैं वो विजयी हो जाता है। जब तक विजयी न हो तब तक पहला माँ का भी युगल दाना नहीं बनेगा, और पहला माँ का युगल दाना नहीं बनेगा विजय माला का तो विजय माला बनना शुरू नहीं होगी। और तुम्हें पता होगा बेलड़ क्या बाबा 557 नंबर में बोला क्या अपने मन रूपी घोड़े को पूर्ण रूप से स्वाहा कर देंगे तो वह बुद्धि के कंट्रोल में आ जाएगा, क्या तब तत्व प्रधान कहा जाएगा? ठीक है, यह राजयोग है, है? राजयोग से मन को कंट्रोल में करना है। ठीक है, लेकिन मन इतना प्रमथनशील स्वभाव वाला है, इतना चंचल है कि वो मन रूपी घोड़ा मन जो है ना एकाग्र नहीं होता, उसके लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाए कि वो बुद्धि के कंप्लीट अधीन हो जाए? देखो मन जो है वो अपना काम करना बंद कर दे, बंद कर दे, वो याद की प्रैक्टिस चाहिए ऐसी कि बाप की याद के सिवाय और कोई दूसरा याद ना आए। जैसे बाबा ने बोला
कि बच्चे प्रैक्टिस करो, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी। तो इस प्रैक्टिस में कोई सबसे आगे जाने वाला होगा या नहीं होगा? तो जो सबसे आगे जाने वाला होगा वो ही होगा। यथाश्रीति याद करने वाला, तो उस स्वरूप को याद करेंगे तो हम भी कैसे बन जाएंगे? वैसे ही बन जाएंगे। तो वैसे ही बनने के लिए मन मना भव, जो मेरे मन में है वो ही तेरे मन में होना चाहिए। मन मन के संकल्प कल्याणकारी बने। नहीं, कल्याणकारी संकल्प चलाना ये संपन्न योग नहीं है। जब चाहे तब हम निराकारी बन जाए, आकारी बने माना कल्याणकारी संकल्प चल रहे हैं। निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं, जब चाहे तब शिव संकल्प में स्थिर हो जाए। हाँ जी, 100% याद करने से, तो जो आत्माएं परम धाम में याद कर रही हैं वो है शुद्ध संप्रदाय मुरली मूलर। लेकिन उनकी आत्मा कितना परसेंटेज चाहिए? उनको बताया ना शूद्र संप्रदाय है, हमको कुछ मिलेगा दूसरों को प्राप्ति होगी। मेरे बाबा कुछ नया आता है याद नहीं, जैसे हम ही उसको समझाएंगे। सबसे पहले तो हम दिखाई समझाते हैं गोले के चित्र क्या, सूर्य चांद सितारों के बाहर ऊपर परम धाम में। तो आप ऐसा क्यों सुनाते हैं जब आप जानते हैं सच्चाई क्या है? बेसिक में क्यों, बेसिक तो सारा झूठ हो गया। आप एडवांस सुनाइए जो सच्चा है। आप मिस करके क्यों सुना रहे हैं? आपको सच्चाई का पता नहीं है क्या? प्रारंभिक कोर्स तो प्रारंभिक कोर्स में बताना चाहिए कि सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है और वो ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आया हुआ है। ये तो ब्रह्मा कुमारियां सुनाती हैं, आया था अब चला गया, इसलिए ऊपर याद करो। हम कोई ब्रह्मा कुमारियों की औलाद है क्या? आप ब्रह्मा कुमार है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है? यहाँ तो एडवांस में आते ही पीवी के लग जाता है। हम ब्रह्मा कुमार नहीं है, क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है। टाइटल रखा लिया, कागज पर लिख करके दे दिया, पहले खून से लिख करके देते थे, अभी स्टाम्प पेपर भी लिख करके देते हैं, फिर प्रजापिता का परिचय नहीं देते। एडवांस में लाइट जला के याद अभी भी कर रहे हैं, जो याद कर रहे हैं उनके फॉलोअर बनना है। जो कर रहे हैं उनका फॉलोअर बनना है क्या है? कोई कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ऐसे करती है, ब्रह्मा कुमार ऐसे करते हैं, तो बाबा क्या जवाब देते हैं मालूम? कोई ब्रह्मा कुमारी राजा कुमारी बनेगी, कोई ब्रह्मा कुमारी प्रजा कुमारी बनेगी? तुम उनको फॉलो क्यों करते हो? कोई क्या करते हैं, दुनिया है, जिसको जैसा चाहे वैसा करे, हमें तो रास्ता पक्का मिल गया। हजार वाट का बल्ब जला लो है तो जड़, वो जड़ है या चैतन्य? तो जड़ को याद करोगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? तो नहीं देखते लाइट को थोड़ी देखते, तो जलाते काहे के लिए? पहले की लगी हुई, ब्रह्मा बाबा का चित्र भी तो पहले का लगा हुआ है, वो हटा दिया, लाइट क्यों नहीं हटाई? वो हटाए देंगे, टाइम हो गया।